This program is brought to you by IndianFankaar.com. Hello friends, my name is Amritesh Jha and I belong from Bihar. I am living in Surat for some days. My friend has told me about IndianFankaar.com. So I have contacted Abhishek Ji. So Abhishek Ji has provided me this Indian Fankaar platform. So thank you Abhishek Ji. अभी सूरत में रिसेंटली एक फायर इंसिडेंट हुआ था तक्षशिला में, जहाँ पे 21 बच्चे जलकर मर गए थे. तो मेरी जो आज की पोएट्री है वो उसी फायर इंसिडेंट के ऊपर है, जिसको मैंने टाइटल दिया है मैं सूरत हूँ. कुछ कर जाने की जीवन में जिन बच्चों को राग लगी थी, कुछ कर जाने की जीवन में जिन बच्चों को राग लगी थी, कूदना पड़ा सब छोड़ के उनको जब तक्षशिला में आग लगी थी. कुछ कर जाने की जीवन में जिन बच्चों को राग लगी थी, कूदना पड़ा सब छोड़ के उनको जब तक्षशिला में आग लगी थी. आगे 50 फीट की खाई थी, पीछे आग की जलती दरिया थी. आगे 50 फीट की खाई थी, पीछे आग की जलती दरिया थी. जो गिरे थे बच्चे ऊपर से, उसमें एक महज 2.5 साल की गुड़िया थी. उनकी चीखें गूंज उठी कोना कोना सरथाने में, उनकी चीखें गूंज उठी कोना कोना सरथाने में. कुछ लोग वहां मगरूर थे उन बच्चों को बचाने में, तो कुछ लोग वहां मगरूर थे उनकी वीडियो बनाने में. जल गए आगोश में मेरी, जल गए आगोश में मेरी. मैं महज एक बेजुबान सा मूरत हूँ. हाँ मैं तुम्हारे गुजरात का सूरत हूँ. हाँ मैं तुम्हारे गुजरात का सूरत हूँ. आग की लपटें भी थी वहां पर जहाँ चारों तरफ धुआं था. आग की लपटें भी थी वहां पर जहाँ चारों तरफ धुआं था. एक तरफ मरना था जलकर, तो एक तरफ मौत का कुआं था. जरा अंदाजा लगाओ उनके दर्द का जब आग ने उनको छुआ था. बड़ी दूर थी मंजिल उन सब की, अभी कुछ सफर ही तय हुआ था. जिन्होंने सपने देखे थे उड़ने के, आज उनके घर में मातम था. जिन्होंने सपने देखे थे उड़ने के, आज उनके घर में मातम था. जली लाशें डाल रहे थे गाड़ी में, क्या उनका भी कोई पोस्टमार्टम था. तब शायद मोदी फिर से आया था, तब शायद मोदी फिर से आया था. सब मोदी मोदी कर रहे थे, तभी कुछ बच्चे ऊपर अपनी किस्मत से लड़ रहे थे. एक एक करके फर्श पर सारे बच्चे गिर रहे थे, और खड़े थे लाल वर्दी वाले, और लोग अपने हाथों से बच्चों को पकड़ रहे थे. आग कैसे लगी यहाँ पर, आग कैसे लगी यहाँ पर, आग कैसे लगी यहाँ पर, आग कैसे लगी यहाँ पर. सबके होठों पर यही सवाल था. जो आग बुझाने आए थे, ना सीढ़ी लंबी थी उनकी, ना हाथों में उनके जाल था. जल चुका हूँ अंदर से मैं, जल चुका हूँ अंदर से मैं. बाहर से अभी भी बेहद खूबसूरत हूँ. हाँ मैं तुम्हारे गुजरात का सूरत हूँ. हाँ मैं तुम्हारे गुजरात का सूरत हूँ. अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इंडियन फनकार को सब्सक्राइब करें, और साथ में ही बेल आइकन को भी दबाएँ, ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे. थैंक यू.